वॉक करते करते ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओ हेलो भाई पागल हो, जो भी बंदा कंसिस्टेंटली भागता है आपने देखा वो पतला ही होता है। इधर से आपको फैट लॉस करना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर आप फैट लूज कर सकते हो। चैंप्स हाउ इज इट गोइंग? आज की वीडियो है इज वॉकिंग बेटर फॉर फैट लॉस और इज रनिंग बेटर फॉर फैट लॉस? यार मेरे ख्याल से जो बंदा वॉक कर रहा होता है ना वही ठीक रहता है। वॉक करते करते ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओ हेलो भाई पागल हो ही नहीं सकता, जो भी बंदा कंसिस्टेंटली भागता है आपने देखा वो पतला ही होता है। हर मोटा बंदा तो सिर्फ वॉक ही कर रहा होता है। कुछ और ही चक्कर है। अपनी पर्सनल इमोशंस और अपनी पर्सनल जजमेंट्स को हम साइड पे रखते हैं। लेट्स एक्चुअली गेट इनटू द साइंस फॉर द राइट आंसर। ऑलराइट गाइस, मैं स्क्रीन को दो सेक्शंस में स्प्लिट कर रहा हूँ, एक वॉकिंग का सेक्शन और एक रनिंग का सेक्शन। जब आप वॉकिंग कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी बेसिकली एक एरोबिक एक्सरसाइज कर रही होती है। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स आर हाई, आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं है। बेसिकली जो आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हो, आप एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से कर रहे होते हो। ये बड़ा एक एफिशिएंट वे ऑफ मेकिंग एनर्जी है, ठीक है। तो जब आप रनिंग कर रहे होते हो तो आप एक एनारोबिक एक्सरसाइज कर रहे होते हो। एनारोबिक एक्सरसाइज वो होती है जिसमें आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, आपको ऑक्सीजन मिल नहीं रहा होता। सो यू आर ऑलवेज हफिंग एंड पफिंग जब आप इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे होते हो। बेसिकली इधर आपका हार्ट रेट होता है ओवर 120, इधर आपका हार्ट रेट होता है बिलो 120। जब आप वॉक कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी बेसिकली फैट को बर्न कर रही होती है अबाउट 85% और 15% कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न कर रही है टू यूज एज एनर्जी। जब आप रनिंग कर रहे होते हो ना तो ये प्रेडोमिनेंटली सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन को बर्न कर रही होती है टू यूज दैट एज एनर्जी। अच्छा, जब एरोबिक के अपने थोड़े से बेनिफिट्स होते हैं कि देखें ये लो इंटेंसिटी होता है तो ये आप लंबे अरसे तक कर सकते हो, 2 घंटे 1 घंटा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह ये आप डेली भी कर सकते हो क्योंकि इसमें ज़्यादा रिकवरी की ज़रूरत नहीं होती। तीसरी चीज़, इसमें ना कोर्टिसोल लेवल नहीं बढ़ता आपका, जो इंसुलिन है ना वो स्पाइक ज़्यादा नहीं होती क्योंकि ये ज़्यादा इंटेंस नहीं होता। एनारोबिक एक्सरसाइज आप 30-40 मिनट्स ही कर सकते हो, इसमें इंटेंसिटी चूँकि इतनी हाई होती है आपके नर्वस सिस्टम में बड़ा प्रेशर पड़ता है आपका, उसके बाद कोर्टिसोल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके इंसुलिन लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको बाद में इसमें क्रेविंग्स भी ज़्यादा होती हैं। वॉकिंग करने के बाद आपको ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होंगी क्योंकि आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं हुआ होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखने वाली बात यह है, वॉक करने में क्योंकि आप प्राइमरीली फैट बर्न कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी फैट अडेप्टेड हो जाती है। यहाँ पर आपकी बॉडी मोस्टली ग्लाइकोजन पे अडेप्ट की होती है। इसका मेन रोल ये होता है कि ग्लाइकोजन जैसे ही हमारा ख़त्म हो हम वापस उसको फिलअप करें, फिर ग्लाइकोजन को यूज़ करें फिर उसको फिलअप करें। इधर से आपका फैट लॉस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके इंसुलिन भी हाई है और कोर्टिसोल भी हाई है। यहाँ पर आप फैट लूज कर सकते हो बिकॉज आपका इंसुलिन लेवल लो है और फैट यूज हो रहा है एज एनर्जी। आप अभी ये सोच रहे होगे कि इसने ये क्या बात कर दी है, कि हमेशा हम ये सोचते रहे नो पेन नो गेन, जितनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगे हमारे लिए उतना बेनिफिट है। ये इनकम्प्लीट हाइपोथेसिस है। मेन चीज़ इसमें ये है कि आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट के साथ साथ आप कैलोरीज कहाँ से बर्न कर रहे हो। आप कार्बोहाइड्रेट से बर्न कर रहे हो कि फैट से बर्न कर रहे हो? अगर आपका प्राइमरीली गोल ये है कि आपने फैट को बर्न करना है तो आप याद रखें कि आपने उसमें से कैलोरीज बर्न करनी है। गाइस डोंट थिंक आई एम डिसिंग रनिंग एट ऑल, रनिंग इज एक्चुअली रियली गुड फॉर योर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, आपकी हेल्थ के लिए इसमें और बेनिफिट्स भी होते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है, अगर आप फैट लूज करना चाह रहे हो तो आपके लिए वॉकिंग इज बेटर देन रनिंग। All the runners watching this video, please don't diss me. Running has its own benefits. I completely agree with them. आपके heart के लिए बहुत ही अच्छा है. Point ये है कि इस video के purpose के लिए, इस topic के लिए, I wanted to make this clear. Thanks for watching, guys. I'll see you in the next one. Peace.